नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के जिला कार्यालय पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब हत्या के प्रयास में एक आरोपी ने जहर निगलने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया, जिससे वह विषाक्त पदार्थ सेवन नहीं कर सका। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। 12 मार्च की रात तरवा थाना क्षेत्र के खरियानी बाजार में वापस लौटते समय सराय भादी गांव के रहने वाले राम नवल को कुछ लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ राम नवल ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसी घटना में नामजद आरोपी राधेश्याम यादव आज दोपहर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच और अपने हाथ में ली हुई एक सीसी खोलकर विषाक्त पदार्थ का सेवन करने का प्रयास किया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की नजर उस पर पड़ी और पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की नजर उस पर पड़ी और पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस कर्मियों से पकड़कर सिविल लाइन पुलिस चौकी पर लाए, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया युवक आत्महत्या करने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि फायरिंग की घटना में नामजद होने के बाद वह शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पर आया, लेकिन वह घटना में नामजद था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ लिया। 3 दिन पहले खरिहानी कस्बा थाना तरवा में है, वहां पर एक फायरिंग की घटना हुई थी। उसमें एक आदमी के पैर में गोली लगी थी और उसने 3 लोगों को नामजद कराया था। उसका राधे यादव नाम का व्यक्ति भी नामजद था। राधे यादव आज कलेक्ट्रेट में अप्लीकेशन लेकर के आया था। थाने की सूचना पे आज से गिरफ्तार किया गया है, उसको बैठाया गया है और उससे बातचीत की जा रही है। राधे यादव का आरोप है कि चूंकि हम दोनों लोगों का मामला न्यायालय में चल रहा है और मैं जो वादी मुकदमा उसके अगेंस्ट हमने गवाही दिया है, इसीलिए वो जो है प्रयास रखा कि शेष जो हमारे गवाह टूट जाए, इसलिए उसने अपने आप खाली करके हमको फंसा दिया है। दोनों का अपना अपना पक्ष है, क्योंकि जो कि फायरिंग हुई है, एक गोली लगी हुई है और उसका इलाज करके इस समय वो घर पे अपने रह रहा, उसे नामजद कराया उसने। दोनों के बातों को देखते हुए इसकी हम लोग विधिवत जांच कर रहे हैं, जो वास्तव है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जहां तक बात रही कि कोई आदमी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ सीसी में जहर लेकर मरने आया था, ये बात सत्य नहीं है। वो आदमी इसमें हिरासत में थाने पर कोतवाली में बैठा हुआ है, उससे हमारे एसएचओ की बात हुई है, उसने इस बात को मना किया है कि न तो मैं यहाँ मरने आया था, न मैं कोई जहर की सीसी लेके आया था, बल्कि मैं अपनी बात को डीएम महोदय से कहने के लिए आ रहा था। मैं नामजद अभियुक्त हूँ, इसलिए पुलिस ने हमको पकड़ा है। दोनों बातों को हम लोग ध्यान में रखते सही तथ्य के आधार पर जांच करके इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई कराएंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।